खबर से आपको आगाह करेंगे। कप्तान हुकूमत में भी एजेंट माफिया खत्म न हो सका। आवाम को लाजवाब सर्विस फराहम करने वाले बाकमाल अफसरान ही बेजाबतियों में मुलव्वस निकले। पीआईए के 5 अफसरान जाली वाउचर्स के जरिए करोड़ों रुपए हड़प कर गए। इंतजामिया ने एजेंटों को जारी फ्री टिकटों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। इसी हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे राणा मोहम्मद अली। जी राणा अली बताइएगा। जी ये लाहौर एयरपोर्ट का वाकया है जिसमें पीआईए के 5 अफसरान मोहम्मद अशरफ सलीम इसमें वकास इलियास जबकि फरहान अस्कर जबकि इसके साथ मरकजी किरदार जो स्कैंडल के बिलाल बिन तारिक अदनान नजीर इन्होंने जो पीआईए के एजेंटों को 1 करोड़ की सेल के बाद पीआईए की जानब से 1 टिकट फ्री दी जाती है उन टिकटों को इन्होंने जैली वाउचर्स के जरिए एजेंटों को देने की बजाय इन्होंने सेल कर दी। उनका करोड़ों रुपए कमा के लाहौर से कैनेडा लंदन मैनचेस्टर और टोरंटो की फ्लाइट पे लोगों को मुसाफिरों को भिजवा दिया गया जबकि इसके एवज जो मिलने वाले जो पैसे थे वो कौमी खजाने में जमा करवाने की बजाय ये तमाम पैसे इन्होंने अपनी जाती जेब में रख लिए। मौजूदा सूरत हाल में एक ईमेल जो लाहौर एयरपोर्ट से अफसरान को हेडक्वार्टर की गई उसमें ये इंकशाफ किया गया जो लाहौर इसको मसूल है उसके मुताबिक इन तमाम अफसरान ने जालसाजी के लिए तकरीबन अक्टूबर के पहले हफ्ते के दौरान 17 फ्री बिजनेस क्लास के टिकट जारी की जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में जो वैल्यू 5 लाख के करीब बनती है और तकरीबन ये करोड़ रुपए की लागत की टिकटें बनती है। इस हवाले से फौरी तौर पे पीआईए हेडक्वार्टर से सुहेल जाफर नामी ऑफिसर को एमआईएस जो है उनको इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया और ये कहा गया कि इनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करके इनको ना सिर्फ नौकरी से फारिग किया जाए बल्कि इनको कानूनी कार्रवाई भी इनके खिलाफ की जाए। जबकि जरा का ये भी कहना है कि गुज़श्ता 6 माह का फ्री टिकटों का तमाम रिकॉर्ड भी जब्त कर लिया गया और इंक्वायरी अफसर को हदायत की गई कि वो लाहौर एयरपोर्ट पे रमा हफ्ते पहुंच के सारा रिकॉर्ड अपनी तहवील में ले और ये तमाम तर मामला जो उनसे ये डायरेक्ट आप जो सीईओ ने तैनात किए गए पीआईए के उनको रिपोर्ट की जाए। इस हवाले से इब्तदाई तौर पर 4 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया जबकि एक अफसर के खिलाफ जो इंक्वायरी उसमें इब्तदाई इंक्वायरी में ये कहा गया कि इसको फौरी तौर पर इसको भी मुअत्तल किया जाए लेकिन उससे कबल इसका मुकम्मल डाटा रिकॉर्ड जो टिकटों की जो इन्होंने जारी किए गए मुसाफिर को उसका भी हासिल किया जाए। इस हवाले से पीआईए की आज ये बड़ा स्कैंडल बन गया है कि कोई मौजूदा सिस्टम के तहत जो करप्शन के खिलाफ दावा किया जाता है कि पीआईए की बचाने के लिए खसारे को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी मौजूदा हुकूमत की लेकिन बहुत शुक्रिया आपका राणा मोहम्मद अली आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।